कैसे हैं आप सब? लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कलेक्टिव रीडिंग की। ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप श्योर हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं या वेट भी नहीं कर रहे हैं और आप अपने असेंशन पीरियड से गुजर रहे हैं, असेंशन पीरियड आपका बहुत अच्छा चल रहा है और आप सेल्फ लव कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन की कलेक्टिव रीडिंग किस तरह से निकल कर आ रही है आज के दिन के लिए। यस, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अभी जो मैं निकाल रही हूँ ये मॉडर्न डेक्स है, ये अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, ठीक है। आपके पर्सन यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या कहना चाह रहे हैं, किस स्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ कार्ड्स यहाँ पर गिरे हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एट ऑफ वांड्स, डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल दौड़े दौड़े आने के लिए तैयार है, एकदम से कम्युनिकेट करने के लिए तैयार है, लेकिन आप असेंशन पीरियड से गुजर रहे हैं कि नहीं ये भी देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, ईश्वर कह रहे हैं नहीं अभी इस तरह का टाइम नहीं आया है, ये रिवर्स में आया है। और द हैंग्ड वुमन, हैंग्ड वुमन का मतलब यही है कि, और हैंग्ड वुमन भी रिवर्स में आया है। ये देखिए, अब तक आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, रीयूनियन कब होगा, ये साइन तो रीयूनियन के हैं, नंबर्स तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं, टैरो रीडिंग भी देख देख के थक गए हैं, तो आपको रिजल्ट जैसा नहीं मिल रहा। लेकिन अब आप असेंशन पीरियड में हैं और आपको लग रहा है कि बस भाई रीयूनियन हो ना हो, डिवाइन मैस्कुलाइन मुझे मिलें, प्रपोज करें वापस से या ना करें, बस वो खुश रहें, जहाँ हो वो खुश रहें। तो ये चीज़ आपके अंदर आ चुकी है। आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलाइन फाइव ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अभी बहुत सारी अंदर ही अंदर मंथन उनका चल रहा है, एक अकेले कमरे में बैठ के, जिसे इस तरह का पिक्चर दिख रहा है ना कि आइसोलेशन में बैठे हुए, सोच में पड़े हुए कि मैंने क्या बर्बाद किया और क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, प्यार से, पैसे से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या लोगों के, फैमिली एंड फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या खोया और क्या पाया। डिवाइन मस्कुलाइन इस तरह की सोच में हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ये देख लेते हैं। एयर ऑफ वांड्स यानी कि ये बात करने के लिए तो पूरी तरह से आतुर हैं। एस ऑफ कप्स, लेकिन ये है ना एस ऑफ कप्स, इसको रीड कर रही हूँ मैं कि एंजल्स कह रहे हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं आया है, क्योंकि आप पूरी तरह से बैलेंस दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है और कुछ कार्ड्स यहाँ पर गिरे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत कुछ है उनके पास कहने के लिए, स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स आ जाते हैं। नाइन ऑफ वंड्स आ गया, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं उनके पास और सोचते हैं कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहता है कि सोच रहे हैं अपने घर परिवार फैमिली के लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं कि सही समय पर सही कुछ होगा। और रिवर्स में आया है टू ऑफ वंड्स, अब किसी किनारे पे नहीं खड़े हैं, वो नहीं सोच रहे हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, दूर से नहीं देख रहे हैं, बहुत तकलीफ़ नहीं है उन्हें। एस ऑफ सॉर्ट्स ये भी रिवर्स में आया है, यानी कि अभी कम्युनिकेट करने का टाइम तो नहीं है, रिसेंटली उन्हें टाइम दें। अगर डिवाइन फेमिनाइन आप देख रही हैं ना, तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा सा मंथन अभी उनका चल रहा है, बीच में उन्हें डिस्टर्ब ना करें, जब तक कि अमृत निकल कर नहीं आ जाता, ऊपर नहीं आ जाता, यानी कि उनके जो सभी तरह की नेगेटिविटी सरफेस पर नहीं आ जाती, जब तक कि वो खुद से आपके पास आके नहीं बोलते हैं, तब तक उन्हें ना छेड़ा जाए तो बेटर होगा, आपके लिए भी, डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी और आप दोनों के प्यारे से रिश्ते के लिए भी। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही कहते हैं कि हर तरह का ईगो उनका मेल्ट हो चुका है, अब तक उन्होंने बहुत कुछ बोला कहा, या मान लीजिए नहीं भी कहा तो जो उनकी साइलेंस था ना, बिल्कुल चुप्पी साद के बैठे रहते थे दिन रात घर पर। हो सकता है आपके हस्बैंड हों वो डिवाइन मस्कुलाइन, हो सकता है आपके मैरिड स्पाउस हों, आप मैरिड हों किसी अदर स्पाउस से, तो ऐसा दिख रहा है कि अब तक उन्होंने आपके साथ जो भी गलत मिसबिहेव किया और आप उस मिसबिहेव से हैरान हो गई कि ये भी कोई तरीका है, ऐसा मैंने क्या कह दिया या कर दिया जो आप इस तरह से मुझसे बिहेव कर रहे हैं। एक्चुअली वो उनके अंदर की नेगेटिविटी होती है, जो कुछ बेबसी जिसे कहते हैं, बेबसी है, बेबसी,
बड़ी सुनी सुनी है इनकी ज़िंदगी, इन्हें जो लगता है ना। तो देखिए, इंसान गुस्सा करता ही क्यों है? गुस्सा इसलिए करता है कि जो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही तो गुस्सा करता है। और गुस्सा कहाँ करता है? अपने बॉस पे थोड़ी ना करता है। गुस्सा करता है जो उनकी टेक केयर करता है, जो उनकी सुनता है, जो उनके लिए परेशान रहता है, उन्हीं को सुना देते हैं। अक्सर यही तो होता है। माँ को ले लीजिए, मान लीजिए आप एक माँ हैं, ठीक है, इधर हस्बैंड ने कुछ कहा नहीं कि बच्चों की धुनाई हो नहीं जाता है, धुनाई नहीं तो कम से कम बच्चों को डांट दिया एकदम से। एक काटा भी आया है, ये है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी हैं पेन में हैं। जब भी डिवाइन मस्कुलाइन को निकालो तो ये स्वॉर्ड्स आ जाती हैं, इतनी घुपी हुई हैं, इतनी स्वॉर्ड्स, इतना पेन, सब कुछ। लेकिन इस पेन के बाद क्या एक्सट्रीम, ये 10 स्वॉर्ड्स हैं, तो एक तरह से हर तरह के दुख पे अटैक हो चुका है उनका, हर तरह के दुख पे, यानी कि हर तरह की नेगेटिविटी पर अटैक हो चुका है आपके थ्रू, आपने जो इतनी अच्छी इंटेंस प्रेयर करी है उसके थ्रू, ठीक है। एक्सट्रीम दुख के बाद क्या आएगा? सुख ही आएगा ना। इस कार्ड को देख के नेगेटिव मत सोचा कीजिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि एक्सट्रीम हो गया ना, अब इसके बाद सूर्य आएगा। काली रात अंधेरी थी ना, अब आपके इसके बाद सूर्य आएगा, उजाला, और कुछ नहीं, इसके अलावा उजाला ही आएगा। अब देख लेते हैं कि आपका जो असेंशियल पीरियड है वो किस तरह का चल रहा है, आप क्या सोच रही हैं या रहे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकती है और सेम जेंडर में भी आप हो सकते हैं। ओह, 9 ऑफ कप्स, देखिए 9 ऑफ कप्स मतलब कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ जो भी होगा देखा जाएगा। मेरे डिवाइन मस्कुलाइन है, कहाँ जाएंगे? जाएंगे तो ये कहीं नहीं जाएंगे, आएंगे तो यहीं आएंगे, कुछ ऐसा आपने मन में सोच रखा है। द स्टार कार्ड जो आप ईश्वर से यानी कि यूनिवर्स से ले रखे हैं, जो यूनिवर्स से आपको मिला है, वही आप आगे देने के लिए तैयार हैं। द स्टार कार्ड मतलब जो भी आपको ईश्वरीय शक्ति मिली है, ब्लेसिंग मिली है, और साथ ही साथ डिवाइन मस्कुलाइन ने आपको एनलाइटन किया है, जागृत किया है, अवेकन किया है, कुछ नया रास्ता दिलाया है, दिखाया है, ट्रांसफॉर्म की है आपकी पूरी लाइफ, जो आप नहीं थे वो बना दिया है। नॉनवेज खाते रहते थे दिन रात, वो सब भी छूट गया है, और बहुत सारी अच्छी बातें, रिलीजियस आप हो गए हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हो गए हैं, ये निकल कर आ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं। 4 कार्ड्स हैं। ओ, द हायरोफेंट, आप चाहते हैं कि या तो इनके साथ ही शादी हो जाए मेरी, अपने ट्विन फ्लेम के ही साथ। बहुत ज़्यादा ईगरली आप वेट कर रहे हैं कि एक लीगल वर्क हो जाए समाज के सामने, सोसाइटी के सामने। अब मैं सबको खोल खोल के चिक चिक के बता देने वाला हूँ या वाली हूँ। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ये कह रही है कि अब जो भी हो मैं सोसाइटी में उनको अपना एक स्थान दिला के रहूँगा या रहूँगी, ये आपके मन में आ रहा है। इसके बाद ये कार्ड आया था द जस्टिस कार्ड, ये देखिए ये यही कह रहा है कि अब उनको न्याय दिला के रहूँगा, मैं इस रिश्ते को मैं न्याय दिलाऊंगा, इस रिश्ते को मैं नाम दूंगा या दूंगी, इस तरह का आपके मन में आ रहा है। ओह, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आप एक दूसरे से, आपका मन करता है रीयूनियन का और फिजिकल होने का भी, क्योंकि ये असेंशन पीरियड का टाइम है, इसमें फिजिकल क्रेविंग भी होती है, और ये लगता है कि बस अब मिल जाएं किसी भी तरह से, मैं अब कुछ नहीं जानता या जानती, मुझे इनकी ज़रूरत है और इन्हें भी तो मेरी ज़रूरत है, तो क्यों नहीं मिल जाते? इस 3D वर्ल्ड में अगर हम हैं तो हम क्यों नहीं फिजिकली एक हो सकते? ये ज़बरदस्त क्रेविंग अगर आपकी हो रही है तो ये कार्ड आपको रेजोनेट करता होगा। लेकिन फिर भी यही है ना कि ये इनका ईगो तो मेल्ट हो गया, लेकिन अभी ये टाइम आया नहीं है, मिलने का टाइम आया नहीं है, इसीलिए आप थोड़ा सा पेन में हैं कि यार ये क्या है, ये कब तक चलेगा, बार बार आपके मन में आता है। लेकिन ओहो, लेकिन लेकिन बोला मैंने, और ये कार्ड आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ईश्वर यही कह रहे हैं कि आएगा टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, और हो सकता है कि ये टाइम जल्द आए, लेकिन जल्दी आने के लिए ईगरली इस तरह से बेचैन ना हो जाएं कि मुझे तो बस यही चाहिए, यही चाहिए, बस आप आ जाओ, मैं कुछ नहीं जानती। ऐसे में जो जो रीयूनियन अब इसके बाद सूर्य आने वाला है, मतलब कि डिवाइन मस्कुलाइन एक्टिव होने वाले हैं, अपने आप से कुछ सब कुछ बताने वाले हैं, वो पीछे हो जाएंगे फिर। अगर आप थोड़ी सी ज़ोर ज़बरदस्ती या अपने दिल की इच्छा, फिजिकल क्रेविंग की जताएंगे ना, तो वो पीछे हो जाएंगे।
थोड़ा सा ध्यान रखें, इसलिए कहती हूँ थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत मुश्किल है। रूट चक्र पे काम करें, लम का जाप करें, माँ काली को याद करें, हनुमान जी को याद करें। हनुमान जी तो पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था उन्होंने, सोच के देखिए। जब जब कोई ब्रह्मचारी बन जाता है ना, वो ईश्वर बन जाता है। माँ पार्वती को देख लीजिए, गणेश जी को देख लीजिए, शिव जी को देख लीजिए, हनुमान जी को देख लीजिए, माँ काली को देख लीजिए, कि नहीं इस सूर्य देवता को देख लीजिए। देखिए ऐसा, देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने शादियाँ ज़रूर की हैं, विवाह किया है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। इस 3D वर्ल्ड में भी जो भी साधु संत या साध्वी हैं, जिनको हम यूट्यूब पर भी देखते हैं, या फिर जिनको अपनी अपनी आँखों से वैसे ही ऑफलाइन भी देखते हैं, तो इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया होता है, तभी लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं। वो कोई ये तो नहीं है कि कोई एजेंडा या फंडा अपना लिया उन्होंने, कि यहाँ भी फैला दिया, वहाँ भी फैला दिया, तो बन गया, पैसा हो गया, तो फिर लोग फॉलो करते हैं। नहीं नहीं जब तक आपके अंदर ये एनर्जी नहीं होती ना कि आप दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएँ, तब तक ये कोई दूसरा किसी के पास नहीं आता है। ये देख लीजिए, आपके पास बहुत पैसा है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ कि अब मैंने कोई संस्था खोल दी, NGO खोल दिया, आप लोग दौड़े दौड़े आएंगे। अगर आपके अंदर सिंपथी नहीं है, एम्पथी नहीं है, और इंट्यूटिव पावर नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करते नहीं हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए 8 of Pentacles मतलब यही है कि डिवाइन फेमिनाइन अपने इनर वर्क पे ज़बरदस्त लगी हुई है, और आपको लगे रहना चाहिए। नहीं देखना किसी को, किसी सोलमेट को नहीं देखना, किसी बॉयफ्रेंड, किसी पास्ट लवर, किसी को नहीं देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने असेंशन पीरियड पर काम करना है, और ब्रह्मत्व को पाना है, स्पिरिचुअलिटी को पाना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी जो है स्पिरिचुअल जर्नी है। अब आगे आप क्या, आपको क्या करना है, ये सीधा सीधा आपके ऊपर है। कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, इसका मतलब अभी आपको ये एक्शन लेने का टाइम नहीं है, सीधा मैसेज करने का टाइम नहीं है, सीधा अपनी फिजिकल क्रेविंग की सुनो सुनो बस आ जाओ, मैं कुछ नहीं जानती, लॉकडाउन है चाहे कुछ भी है, ऐसा ना करें। थोड़ा सा दूरी, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें। सारे के सारे इमोशंस आएंगे, ये देखिए ना 5 elements हैं, 5 emotions हैं, हर तरह के इमोशंस एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि हर तरह के इमोशंस सागर में बह बह के निकलेंगे। वो जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन सोच रहे हैं वो खुद से आके बताएंगे, वो एक डिवाइन टाइम होगा। वो खुद से भी नहीं आए तो आप उनके पास जाएंगे, या जस्ट ऐसे ही फ़ोन करेंगे तो वो पहले से ही भरे बैठे होंगे और सब कुछ इमोशंस उडेल के रख देंगे। इस चीज़ का विश्वास कीजिए कि आपके पास जो है वो बहुत अच्छा है। अभी जो आपका असेंशन पीरियड चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बहुत कुछ चाह रही हैं। 3D वर्ल्ड में भी आप बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं। ये फिजिकल क्रेविंग जो हो रही है ना, इसको शांत करें, रूट चक्रा पे काम करें। अभी ये टाइम नहीं आया है कि उनको सब कुछ बता दें, और डिवाइन मैस्कुलाइन का भी ये टाइम अभी नहीं है। थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन में गुजरने दीजिए, पेन नहीं होगा तो गेन नहीं होगा ना, ये वाली बात है। पेन तो होने दीजिए, आपने भी तो इतना पेन और सफरिंग झेली है, सहा है, तो पेन और सफरिंग वैसे भी माइंड से होता है। जब आप एक रीयूनियन में बन जाएंगे ना, तो आप कहेंगे ओ ये इसलिए मुझे ईश्वर ने तपाया था, सोने को इतना गलाते हैं, इतना आग के ऊपर भट्टी में जलाते हैं कि वो एक सुंदर गहना बन के हमारे गले में सजता है। लेकिन सजेगा तभी, सुंदर तभी बनेगा, जब तक उसे तपाया ना जाए तो नहीं सुंदर बनेगा ना। इसीलिए आपको ईश्वर तपा रहे हैं, तो तपते जाइए, तपते जाइए। और आपके लिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग या एंजेलिक ब्लेसिंग आपके लिए क्या आ रही है। जस्ट ओनली 1 card प्लीज। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, देखिए वही आया ना, नहीं करना है किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, डिवाइन मैस्कुलाइन से भी नहीं, उनके उनके पेरेंट्स से, उनकी स्पाउस से, अगर वो अनमैरिड हैं तो उनके पेरेंट्स से। नहीं कीजिए किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि ये लेबल्स की दुनिया है। लेबल लगा लिया, सर्टिफिकेट पा लिया, हो गया जी, क्या करेंगे सर्टिफिकेट लेके, है ना, ले रखे ना अपने ढेर सारे सर्टिफिकेट, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइन जो है अटकी पड़ी है कि ये कौन सी जर्नी आ गई, इतने सारे सर्टिफिकेट हमने जमा किए और अब हम कुछ और ही पढ़ाई करने लग गए हैं कि नहीं। तो पढ़ाई क्या है, मेन सोल की है, तो सोल क्या है, सोल आपकी सेज टाइप की है, तो सेज बनने की कोशिश कीजिए। यही मैं बात कर रही थी कि
ऐसे ही कोई किसी को फॉलो नहीं करता है। कोई गुफाओं में बैठा हुआ है, हम वहाँ कैमरा लेके क्यों चले जाते हैं? क्या है उस व्यक्ति के अंदर ऐसी पावर जो हम वहाँ कैमरा लेके पूछने चले जाते हैं, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं, कितने सालों से अकेले हैं, आपने यहाँ पर कैसे मैनेज किया, जंगली जानवरों से कैसे अपने आप को बचाया, खाना कहाँ से खाते हैं, क्या करते हैं? क्यों जाते हैं हम लोग कैमरा लेके? इसीलिए जाते हैं। उनके अंदर उन्होंने अपना ब्रह्मत्व को जगाया, अपनी अपनी शक्ति ब्रह्मत्व को जगा लेते हैं ना, सेक्सुअल पावर को आप कुंडलिनी अवेकन कर लेते हैं ना, तो फिर वो नीचे नहीं आती है। फिर आपका मन ये करेगा ही नहीं कि ओहो जी चलो जी सेक्स करते हैं, चलो ये करते हैं, नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सट्रीम है। और जो ये जो सेक्सुअल पावर है ये थोड़ी क्षणिक है, और ये जो पावर है सेज की, डिवोटेड रहना, डिवोशन की, ईश्वर के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने प्यार के प्रति, अनकंडीशनल लव, ये डिवोशन है, ये एक्सट्रीम लव है। और इस इतने एक्सट्रीम लव के बाद आपको नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद सिर्फ प्यार भरे आंसू निकलते हैं और कुछ भी नहीं। और मैं यही चाहती हूँ कि आपका रीयूनियन बहुत जल्द हो। ज़रूरी नहीं कि 3D वर्ल्ड का ही रीयूनियन हो, 5D में मिलने के बाद आपको नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं है। सो बी डिवोटेड एंड कमिटेड। Wish you all the best. Thank you so much.